नूरा ठाकुर हैं हमारे साथ दमोह से, आइए बात करते हैं इनसे। हेलो जी, भूरा ठाकुर जी बात कर रहे हैं? हाँ नमस्कार सर, ग्रीन टीवी के पूछे अपना सवाल कार्यक्रम से बात कर रहे हैं, आपने सवाल भेजा था जी, पूछ रहे थे कि यानी कि एक एकड़ में कितनी यानी कि बीज लगेगा। भूरा ठाकुर जी, ये अरहर की फसल तो खरीफ की फसल होती है जो हम जून जुलाई से इसकी बुआई चालू करते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो अभी तो इसके बिजाई का समय निकल गया है, पहली बात तो ये, और किस्में भी हैं अलग अलग, और आपको कौन सी किस्म लेना चाहिए उस पर भी निर्भर करेगा कि कितनी उपज आएगी और कितने समय में पक के तैयार हो जाएगी। वैसे आमतौर पर जहाँ बीज का सवाल है, एक एकड़ में 5 या 6 किलो बीज लगता है अरहर का, क्योंकि इसको कतारों में दूरी पे बोते हैं, तो कम से कम 1.5 फीट की कतारें दूरी पे होती है, और 1 फुट का पौधे से पौधे का भी रखेंगे तो इस तरह की दूरी पे कतारों में बोएंगे तो अरहर होती है। और कुछ अच्छी किस्में भी हैं, जो अच्छी किस्में हैं उनमें मानक है एक किस्म, पारस है एक किस्म, है UPAS 120, तो ये सब किस्में मानक तो 120 से 130 दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन उपास जो है इसको 130 से 140 दिन लगते हैं। और इसमें जब उपज का सवाल आता है तो जो करीब 6 क्विंटल से लगा के 7.5 क्विंटल तक हम एक एकड़ में अरहर का उपज ले सकते हैं, तो ये इसका सिलसिला रहेगा। तो आप अच्छे ढंग से खेत तैयार करें, आते साल के लिए अच्छा बीज लें, प्रमाणित बीज लें, सही खेत का प्रबंध करेंगे, सही किस्म लेंगे तो आप उपज ले सकते हैं 6 से 7 क्विंटल एक एकड़ तक की। जी भूरा ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।